मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब थाने बोली पर दिए जाएंगे तो थानों की बोलियां लगेंगी तो टीआई वसूली करेंगे, थाना प्रभारी अपराध रोकने की तरफ ध्यान नहीं देंगे। वहीं प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर उन्होंने कहा कि दतिया में 7 दिन में 7 हत्याएं हुई हैं, थानों के टीआई अपराधियों को पैसे लेकर के छोड़ रहे हैं। थाने अगर बोली पर जाएंगे, थानों की बोलियां लगेंगी, तो स्वाभाविक रूप से टीआई जो थानों में पदस्थ हैं वो वसूली की तरफ ध्यान देंगे, न कि अपराध की तरफ। सतना से लेके भोपाल तक ये एक लंबा सफर है अपराध का। जिस दिन से सरकार बनी, जब सतना के 2 मासूम गए, तब भी हमने कहा था कि देखिए इन मासूमों को पुलिस ध्यान नहीं दे रही है, गंभीरता से सर्च नहीं कर रही है, और परिणाम ये हुआ कि उनकी लाशें वापस आई, जिंदा बच्चे नहीं आए। और भोपाल का भी कांख में लड़का जगत में ढोलेरा, वो वाली स्थिति है। बगल में होने के बावजूद भी पुलिस पता नहीं कर पाई और क्षत विक्षत लाश मिली। उस माँ पर क्या गुजरी होगी जिसको अपने बच्चे की जली हुई लाश मिली होगी। मेरा ध्यानाकर्षण भी अपराध के ऊपर है। मेरे दतिया में 7 दिन में 7 हत्याएं हो गई।